अदालत उज़्मा जो कि पाकिस्तान का एक इंतहाई मोहतरम अदारा है, इंतहाई मुक्तदर इदारा है, उसके जजिस के दरमियान भी एक इंतशार सी कैफियत है। कल एक ख़त मीडिया के ज़रिए हमारी नज़र से गुज़रा, जिसमें जस्टिस काजी फ़ैज़ी साहब और जस्टिस मसूद तारिक जो हैं, ये तारिक मसूद साहब, उन्होंने एक ख़त जो है वो लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के हवाले से। उमर अता बंदयाल साहब ने, जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 3 दिन पहले एक तकरीब में, जो कि अदालती नया साल है उस हवाले से एक तकरीब थी, उसमें उन्होंने तकरीर करते हुए इंतहाई गुस्से के साथ जो जुडिशल कमीशन बना था, जिसने 5 जजेस की तैनाती करनी थी। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तब होती जब 17 जजेस हों उसमें बैठे हुए, फुल कोर्ट जो है, लेकिन 5 जजेस जो हैं वो अभी तक तैनात नहीं हुए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो कुल तादाद है वो 12 हैं, और ये 5 जजेस जो हैं इनकी तैनाती के हवाले से एक जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग हुई थी, और हमने उसमें देखा कि अक्सरियत जो है उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल के नामजद करदा जो 5 जजेस थे उनको मुस्तरद कर दिया था, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस मीटिंग को आधा छोड़कर उठकर चले गए थे। अब 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो अदालती साल जैसे हम कहते हैं, उसकी हर साल एक तकरीब होती है और एक नया साल अदालत के हवाले से शुरू होता है, उसमें नई प्लानिंग्स होती हैं, जुडिशल कमीशन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी तकरीब में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़े गुस्से में जिक्र किया कि जनाब वो जो 5 जजेस चीफ जस्टिस साहब ने नामजद किए थे उनको रद्द करने की जो वजह थी वो एक सियासी वो था वजह थी, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस ने उनको मुस्तरद किया था उनमें सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजेस जिनमें काजी फ़ैज़ी साहब और जस्टिस तारिक मसूद शामिल थे वो भी हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो एक बार काउंसिल है उसके सरबरा, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एक और, यानी 5 होने चाहिए, मैं मुझे एक याद नहीं है, तो ये 5 जो लोग थे कमीशन के जो रुकन थे उन्होंने चीफ जस्टिस के जो 4 अकलियती जजेस थे उनके मुकाबले में उन 5 नामों को मुस्तरद कर दिया था। तो चीफ जस्टिस साहब ने खुली मीटिंग में, जो कि जुडिशल कमीशन की एक बात थी, उसे ओपन किया और अपने गुस्से का इजहार किया। उसको जवाब देने के लिए एक ख़त जो है वो अब सामने आया है, जो कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और तारिक मसूद साहब ने लिखा है, और ये बातें हमें बताती हैं कि अदालत के अंदर भी जो जजेस हैं उनमें भी आपस में कशीदगी है, आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो दूसरे महकमे हैं, दूसरे अदारे हैं, जैसे कि अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, सियासतदान है, हर लिहाज से हर जगह पर एक इंतशार है, कशीदगी है, कोई भी अदारा मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खड़े नहीं है। फिर हमारे जो जजेस हैं वो भी, उनके जो केसेस हैं वो आपको नज़र आते हैं कि हम अदालती तौर पर भी दुनिया में कौन से नंबर पर आते हैं, एक गैर मुनसिफाना निज़ाम हमारे मुल्क में। अभी आप देखें तो मरियम नवाज की पासपोर्ट की हवालगी के हवाले से उसने अपील की, 4 बेंच टूटे हैं। 4 बेंच टूटने का मतलब कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस ने उस केस को सुनने से इनकार कर दिया। वजह क्या है? क्योंकि ये जो जजेस होते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ये बहुत ताकतवर होते हैं, और अगर इतने ताकतवर जजेस बैठकर उस किसी केस को सुनने से इनकार कर दें तो उसकी वजह ज़रूर जाननी, कम्युनिटी को, लोगों को जाननी ज़रूरी है कि क्या वजह हो सकती है। कोई प्रेशर था,
कोई कोई यानी किसी वजह से आप ऐसे नहीं उठ सकते किसी बेंच से। इतने बड़े हाई कोर्ट का जो जज है उनका एक बड़ा रुतबा बड़ा नाम होता है, चार बेंच टूटे हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में पांचवा बेंच जो है वो बना है जो सुन रहा है, लेकिन जो चार जजेस हैं उन्होंने बेंच से उठ के बेंच तोड़ दिए और मरियम नवाज के केस को सुनने से इनकार कर दिया। ये बड़ी अजीब बात है। और उसके अलावा जो हमारी जिली अदालतें हैं उनके जो केसेस हैं वो आपके सामने हैं कि पोता जो है वो दादा बन जाता है और केसेस के फैसले नहीं होते। ये इंतहाई शर्मनाक निज़ाम है और मुझे नहीं समझ आती कि आगे जाके ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल अभी ये देखते हैं कि ये जो जस्टिस काजी फाजी साहब का और तारिक मसूद साहब का लेटर जो है ये सामने आया है, इससे मजीद हालात बिगड़ेंगे अदालतों के अंदर भी। और मुझे कहीं कुछ इसमें बैलेंस नज़र नहीं आता। एक तरफ हम सुप्रीम हाई कोर्ट में देखते हैं कि जब इमरान खान के जो केसेस होते हैं और इमरान खान बतौर मुलजिम अदालत में बैठे होते हैं टांग पर टांग रख के, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो शहबाज शरीफ और बड़े बड़े जो इमरान खान के मुखालिफ सियासतदान हैं वो छोटी छोटी अदालतों में भी आकर खड़े होकर अपने मुकदमे को सुनते हैं। तो ये बैलेंस जो है ये समझ से बाहर है कि ये क्या है, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन अदालतों से भी ऊंची हैं उनसे बड़ी हैं और जजेस जो हैं वो उनसे डरते हैं और नाम नहीं लेते। बहरहाल अफसोस की बात है ये। तो चलें आगे देखते हैं क्या सूरत है। थैंक यू।